मैं आप सबको यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ और ये हम पहली दफ़ा ऑनलाइन कचहरी आप लोगों के साथ कर रहे हैं और यहाँ पर आपके लिए मैंने सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के हेड्स है बशमूल पुलिस यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। दूसरी बात यह जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैंने शुरुआत की थी, मेरा पहला विज़िट करक की तरफ था। मुझे पता है कि सदरन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर पानी का मसला है। मैं आज कोशिश करूँगा कि जो आपके मसले मसाइल हैं इनको मैं सुन लूँ भी और उसको मैं अहकाम जारी कर लूँ और जो प्रॉपर टाइम लाइन होगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके मसले मसाइल हल हो। बाकी इमरान खान की हुकूमत है जो उसका विजन है उसके मुताबिक मेरिट ट्रांसपेरेंसी और आपके मसले मसाइल हल करना ये हमारे मंशूर में है और ये खान साहब का विजन है तो इंशाल्लाह आपका अपना वजीर आला आपके साथ होगा। शुक्रिया जी मोहम्मद इकराम सर। जी हमारे विलेज के काफी ट्यूबवेल भी हुए हैं जो अभी तक एक एक कमरा बनाकर उसको नकारा बनाया हुआ है, क्योंकि CNW सब महकमों को DC को कई दफा भी दरख्वास्तें भी दे चुकी हैं लेकिन वो ट्यूबवेल ना पीने के काबिल है ना इस्तेमाल के काबिल है, वो बिल्कुल नकारा हो गए और CNW से भी उसके फंड भी रिलीज हो चुके हैं जो कि किसी इस्तेमाल में नहीं होते। अगर इस 8-10 ट्यूबवेल में से अगर एक भी ट्यूबवेल कोट मिट्टू के लिए लगाया जाए तो उसके लिए काफी होगा, लेकिन जितने ट्यूबवेल हुए हैं उनके CNW में भी चालू हैं लेकिन उसके कोई पानी काबिल ना पीने के काबिल है ना इस्तेमाल के काबिल है। अच्छा इस तरह मोहम्मद इकराम ये जो ट्यूबवेल है ये CNW का डोमेन तो नहीं है। बाकी जो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपके इलाके में ट्यूबवेल है लेकिन नाकारा है, मैं इनको टाइमलाइन तकरीबन 21 दिन के अंदर अंदर ये मुझे रिपोर्ट दे देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास फंड्स अवेलेबल है। आप लोग कम्युनिटी बैठ के DC के साथ बैठ के जगह की आइडेंटिफिकेशन आप लोग करेंगे, ओपन जगह होगी किसी की नहीं होगी, अगर किसी की हुई भी तो सेक्शन 4 के ज़रिए हम ज़मीन लेंगे वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएगी और वहाँ पे ये नहीं होगा कि उसे पानी फिर जो है वो फरोख्त होगा। तो इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है 21 दिन के अंदर अंदर ये मुझे रिपोर्ट देंगे और उसके बाद ये मुसलसल आपके साथ कोऑर्डिनेशन में होंगे, आपका ये मसला हम हल करा देंगे। अस्सलाम वालेकुम CM साहब, हम आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर है कि आपने के पसमानदा इलाका जिला टांग का आवाज़ ऑनलाइन सुन रहे हो। हमारे टांग में सिविल अस्पताल है, उसमें एक तो जो डॉक्टर और उसके मशीनरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है और जिसमें ये भी काम हो रहा है इसका सेहत कार्ड का और उसका रश भी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा टांग में जो दूसरा अस्पताल है क्रिश्चियन पहले नंबर पे तो उसको आप हेल्थ कार्ड का सिस्टम उसमें डाल दें ताकि लोग वहाँ से भी अपने इलाज करवा सके, वहाँ पे डॉक्टर भी सही है, ऑपरेशन सहूलियात भी सही है। अच्छा इस तरह जुम्मा खान साहब ये सेक्टरी हेल्थ यहाँ पर मौजूद है, लोकल वहाँ पर DHO या MSB आप मौजूद है मुझे सुन रहे हैं, DC साहब भी मौजूद है, तो जो आपने बात की पहले हॉस्पिटल की सेक्टरी हेल्थ यहाँ पर बैठे हुए हैं इंशाल्लाह ये अगले हफ्ते विज़िट करेंगे, आपके पास आएंगे, टांग के मेन हॉस्पिटल को भी देख लेंगे और साथ ये अपने साथ जो हेल्थ कार्ड की टीम है वो भी उनके साथ होगी ताकि जो आपने दूसरी हॉस्पिटल की निशानदेही की ताकि वो भी उसको देख ले कि आया उसमें वो सहूलियात मौजूद है जो हेल्थ कार्ड के हवाले से है, तो इंशाल्लाह जब इनका विजिट होगा तो ये हम आपके मसले हल करा देंगे। तो सर इसी पसमानदा जिले में रह के इन्हीं पसमानदा सड़कों पे ट्रैवल करके मैंने एजुकेशन हासिल की है और ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं टांग की फर्स्ट क्वालिफाइड फीमेल डेंटिस्ट हूँ। तो सर ये है कि अब हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पे फीमेल डेंटिस्ट की अवेलेबिलिटी भी है, यहाँ कोई पोजीशन नहीं है और ये है कि वज़ीरिस्तान हो गया या टांग की ख़वातीन हो गई तो इनको तो बहुत ही मसला होता है। और दूसरा बड़ा मसला मुझे खुद भी अगर ज़ाती तौर पे देखें तो मैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स देती हूँ तो वो मुझे वापस रिटर्न कर देते हैं ये कह के कि हम जो अपने डोमिसाइल होल्डर्स हैं उन्हीं को प्रेफर करेंगे। तो सर आपके कीमती वक्त की कदर करते हुए मैं आपसे मोहतबाना गुजारिश करूंगी कि इस वक्त टांग और वज़ीरिस्तान की आवाम को स्पेशली ख़वातीन को मेरी खिदमत की ज़रूरत है और मुझे एक पोजीशन की ताकि मैं फिर उनकी खिदमत कर सकूं। शुक्रिया आपका। ठीक है डॉक्टर साहब आपकी बात आ गई है और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इतने कम वसाइल में और इतने फार फ्लंग एरिया और फिर जो लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपने पढ़ाई की तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मेरे पास सेक्टरी हेल्थ मौजूद है
जो भी तरीका कार ये वजह कर सकते हैं आपके लिए कि हम किस तरह आपको फैसिलिटेशन देंगे, खासकर टांग के हॉस्पिटल में, कि आपके लिए कोई स्पेशल सीट वगैरह या इस तरह का कोई वो कर ले, तो इस पे ये काम कर देंगे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होगी कि आपकी जो खिदमात है वो जो गरीब औरतें आपके पास आती है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फिर वो आपकी मुलाकात उनके साथ हॉस्पिटल में हो। शुक्रिया, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे आपके लिए।